बीएसएफ के हथियारबंद 80 कर्मचारी अधिकारी एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गुरु प्रसाद पारासर के नेतृत्व में निकाला फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 1 श्री गुरु प्रसाद पारेश्वर, नगर पुलिस अधीक्षक श्री डीकी तिवारी, थाना प्रभारी छत्रीपुरा श्री संतोष सिंह यादव, थाना प्रभारी सराफा श्री दिनेश भवर, थाना प्रभारी पंडरीना श्री रॉबर्ट गिरवाल एवं बीएसएफ की 50वीं बटालियन जी कंपनी के हथियारबंद 80 अधिकारी कर्मचारी तथा सराफा सर्कल के तीनों थानों का संयुक्त बल के द्वारा आज फ्लैग मार्च निकाला गया, जो मच्छी बाजार, मुंबई बाजार, कड़ाव घाट, पंडरीनाथ के संवेदनशील क्षेत्रों से होते हुए सराफा थाना, छत्रीपुरा क्षेत्र के संवेदनशील स्थान दरगाह चौराहा, सिलावटपुरा, लोधीपुरा, बियाबानी, कंजर मोहल्ला, समाजवाद नगर, वालंदा कॉलोनी, जोशी मोहल्ला, सेठी नगर, अर्जुनपुरा, छत्रीबाग का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान वल्नरेबल प्रभावित व्यक्तियों से भी चर्चा की तथा क्षेत्र में निर्भीक होकर अधिक से अधिक मतदान करने एवं कराने हेतु वातावरण निर्मित किया गया। लोग अधिक से अधिक इलेक्शन करें, साथ ही किसी भी प्रकार का भय या डर उनके अंदर ना रहे, इसी बात को ध्यान रखते हुए वरिष्ठ अधिकारी के दिशा निर्देशन में आज श्रीमान एडिशन एसपी महोदय, सीएसपी और टीम डीएम के द्वारा फ्लैग मार्च बीएसएफ की 50 बटालियन जो उसको साथ में लेकर निकाला गया था। और इसका जो एरिया था वो मच्छी बाजार, बॉम्बे बाजार था, पंडीनाथ का वसुदेव सराफा क्षेत्र में निकाला गया है। और थर्ड जो स्टेप है वो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लोधीपुरा, बियाबानी और कंजर मोहल्ला, वालदा कॉलोनी, जोशी मोहल्ला, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही जो वर्नीवल क्षेत्र है वहाँ भी लोगों से बातचीत की, उन्हें समझाया गया कि आप अधिक से अधिक मतदान करें, किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, आपका नाम? संतोष सिंह यादव, थाना भाई, छत्तीसगढ़, इंदौर। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।